मध्य प्रदेश इस समय सर्दी के प्रकोप को झेल रहा है। मध्य प्रदेश के हर अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल है ग्वालियर चंबल का। यहां पहले से ही न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक बना हुआ था, लेकिन बीते 24 घंटे में यहां जमकर बारिश हुई है। सिर्फ 5 घंटे में ही ग्वालियर में 1.25 इंच पानी गिर गया। सर्दी में आई मानसून जैसी बारिश ने ग्वालियर में ठंड को और बढ़ा दिया है। लगातार 2 हफ्तों से तेज ठंड की वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान है। ग्वालियर चंबल के इलाके में लगातार कोहरा पड़ने की वजह से इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। दिल्ली से भोपाल झांसी जाने वाली ट्रेनें ग्वालियर के रूट से गुजरती हैं, लेकिन लगातार पड़ रहे कोहरे की वजह से ट्रेनें यहां लेट चल रही हैं। वहीं बात यदि मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों की करें तो भोपाल सीहोर उज्जैन आदि शहरों में भी कोहरे की वजह से बुरा हाल है। हर शहर में ठंड मध्य प्रदेश की उम्मीद से ज्यादा पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हो रहा है। बुधवार को भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ओले तक गिर सकते हैं। ग्वालियर के इलाके में लगातार तेज ठंड रहने के आसार जताए गए हैं। अगले 3 दिन भी यहां कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। आपको बता दें भोपाल में 13.8 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 15.6 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 9.6 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 15.8 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन में 15.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। मंगलवार रात को सबसे कम तापमान रीवा जिले में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लगातार पड़ रही कड़ाके की इस ठंड की वजह से बच्चे और बुजुर्ग अधिक परेशान हैं। सर्दी जुखाम के साथ ही अस्पतालों में हार्ट अटैक के मरीजों के आने की संख्या में भी इजाफा हो रहा है।